अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। इसमें हम ईथर फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें भी ये जो सी ओ बॉन्ड ब्रेकिंग की एग्जांपल है, अल्कोहल प्लस अल्कोहल जो है आपस में कंबाइन होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है और ईथर जो है वो बन जाता है। सबसे पहला स्टेप है जी प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप कैसे बनेगा देखते हैं जी। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट होता है वो जो है उसको विलिंगनेस होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये क्या है जी, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जब इसका अटैक होगा, इस पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो ये जो हमारे पास जो आयन बनेगा ये जो होगा ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्यों लिविंग ग्रुप होगा? क्योंकि सी ओ बॉन्ड में ना ऑलमोस्ट सेम ही मैकेनिज्म है, उसमें सेम ही जो है वो लिविंग ग्रुप बन रहा है सब में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ। ऑक्सीजन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को जो है वो नहीं अडॉप्ट करना चाहता, वो चाहता है कि वो नेगेटिव स्टेट में रहे या न्यूट्रल रहे, एटलीस्ट न्यूट्रल में रहे। पॉजिटिव तो वो किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो सेकेंड स्टेप में देखें जी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा है जी, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये जो है अटैक हो रहा है, न्यूक्लियस लविंग जो है वो अटैक कर रहा है। अब ये जो अटैक होगा ये CH3 CH2 ये जो है यहाँ से अटैच हो जाएगा, बट मसला ये है कि ये बॉन्ड जो है ये कहाँ पे जाएगा, या ये बॉन्ड ही क्यों टूट रहा है, ये वाले बॉन्ड क्यों नहीं टूटे। ये बॉन्ड इस वजह से टूट रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट, या तो वो मोस्टली वो प्रेफर करता है नेगेटिव होना क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और या फिर वो न्यूट्रल। पॉजिटिव तो वो किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, तो बर्दाश्त नहीं करता तो वो क्या करता है, अपना करेक्टर अटेन करने के लिए ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर लेता है इसे। अब ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया है। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, CH3 CH2 ये C2H5 यहाँ पे है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अब यहाँ पे है, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये वाला जो पार्ट है ये वाटर की फॉर्म में निकल गया है। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको मैं ऐसे स्टार लगा देता हूँ, तो ये जो है ये स्टार वाला ऑक्सीजन है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पे एच है। अब हम इसकी डीप्रोटोनेशन करेंगे, ठीक है, स्टार्ट में हमने प्रोटोनेशन की थी और अब हम इसकी क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे। ठीक है, जो हम चीज़ ऐड करते हैं, जिस तरह हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ये एज ए कैटलिस्ट ही है। इसको हम कह सकते हैं कि जी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है ये, ऊपर मैंने नाम भी लिखा था एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, जो रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है उसकी कंप्लीशन में। ठीक है, तो वो जिस फॉर्म में ऐड किया था उसी फॉर्म में रिमूव। सिंपल स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वाटर जो है अटैक करेगा और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, या वाटर की फॉर्म में अगर आप हाइड्रोनियम आयन जो है वो बन सकता है, मोस्टली यहाँ वाटर भी लिख लें और साथ एच पॉजिटिव लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ऐसे मर्जी आप लिख लें। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, अगेन वही रीजनें सारी कि वो क्यों अटैक कर रहा है, क्यों ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट बन गई है ईथर, और साथ ये वाटर बन गया, और साथ इसके आप बेशक एच पॉजिटिव भी लिख लें या हाइड्रोनियम आयन भी लिख लें। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।